नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आप किसान भाइयों के लिए काफ़ी पुराना आइसर का ट्रैक्टर लेकर आए हैं। तो आपने ये कभी नहीं देखा होगा, ये ट्रैक्टर कुमाणी वाला ट्रैक्टर है। ये तो 57 मॉडल ट्रैक्टर है। तो इसके बारे में बताएंगे, काफ़ी रेयर ट्रैक्टर है भारत में। आपने ये ट्रैक्टर काफ़ी कम देखे होंगे और आइसर का ये पहला ट्रैक्टर है आप देख सकते हो। इसके फंक्शनों के बारे में बताएंगे और इतने यूनिक फीचर दिए हुए थे उस समय इस ट्रैक्टर में, जो कि आज के समय किसी ट्रैक्टर में नहीं है दिए हुए थे। और उस समय का लोहा और जो स्पेयर पार्ट आप देख सकते हो, कितने ठेल वगैरह दिए होते थे। तो ये आइसर का ट्रैक्टर है, ये कमाणी वाला। तो पहले देखो किसान भाइयों इसका लुक, इस ट्रैक्टर का। और ये देखो इसकी कमाणी लुक देखो भाई, आगे से कुछ इस तरह का आता था आइसर का ये लुक। एयर कूल्ड इंजन के साथ था भाई ये। ये साइड में इसकी लाइट दी हुई थी, ये इसका एयर क्लीनर, यहाँ पे फैन वगैरह थे, ये डीजल फिल्टर देखो, यहाँ पे साइड में बैठने के लिए ये मुरगाड वगैरह। इसकी सीट देखो कितनी, मतलब यूनिक सीट दी हुई थी। ये गियर वगैरह हो गए इसके। तो इसके फंक्शनों के बारे में भी बताएंगे भाई। पहले ये कुमाणी देख लो, कुमाणी वाले ट्रैक्टर थे ये। पहले ये कुमाणी में आते थे, आप देख सकते हो ये अगली कुमाणी इसकी। यहाँ से देखो इस तरह स्टेयरिंग काम करता है, फंक्शन इस तरह दिया हुआ है। मतलब आगे बिल्कुल जो आज के समय मतलब झटके लगते हैं, इन ट्रैक्टरों में झटके वगैरह कुछ नहीं थे भाई। और सिंगल सिलेंडर के साथ है ये, जापान मेड इन जापान ट्रैक्टर है। और अंदर ही टूल बॉक्स दिया हुआ है इसमें, एयर कूल्ड इंजन के साथ है ये। आज भी नंबर प्लेट लगी हुई है इंजन की इस ट्रैक्टर पर। तो ये इसका हैंडल वगैरह यहाँ पे है, सिलेंसर हो गया यहाँ पे, ये टैंकी होगी इसकी, ऊपर ये पट्टी वगैरह दी हुई थी शो के लिए। और गियर, आज भी गियर के नंबर लिखे हुए हैं इसमें, 5 गियर और एक रिवर्स का था। इस ट्रैक्टर की ये खूबी है भाई, पहले गियर में लगा लो या दूसरे में लगा लो, तीसरे में लगा लो, चौथे में लगा लो, पाँचवें में लगा लो, पीछे कितना भी वेट हो, कितना भी ज़्यादा वेट हो, और उसी गियर में चलेगा ये दबा के। मतलब पहले में लगा लो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, पीछे कितना भी वेट हो, बंद नहीं होगा ट्रैक्टर। बस कम से कम स्पीड में भी आप लेके इस ट्रैक्टर को चल सकते हो। ये हो गया एक, और एक ये हो गया वहाँ पे वही पेड़ वगैरह था, ये वही ट्रैक्टर है। दिखाएंगे इसको, ये देखो कितनी ठेल लिफ्ट और ओरिजिनल लिफ्ट के साथ है भाई। इसमें काफ़ी लंबी लिफ्ट उपटड़ी आती थी इसकी, देखो दो आप दो दो लगा सकते हो, दो दो पटड़ी इसमें एक साथ। और ये बेल वगैरह इसकी, ये ब्रेक के लिए, और ये रियर एक्सल है भाई इसका। और इसमें इसकी लिफ्ट है भाई, तो इसमें हाइड्रोलिक, इतने पुराने ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक लिफ्ट दी हुई थी। और आप आज भी देख सकते हो इसकी लिफ्ट कितनी ठेल है। ये पीटीओ ट्रॉली के हुक के लिए, ये बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल है भाई। और ये साइड में मुरगाड है जो, ये देख लो भाई इसके साथ के, ये सीट देखो अलग ही डिजाइन की सीट दी हुई है, देखो भाई। ये गद्दा वगैरह इसका यहाँ पे रख के आप बिल्कुल आसानी से चला सकते हो। ये इसका स्टेयरिंग हो गया, ये साइड में बैठने के लिए हो गया। और
ये इसमें गियर, यहाँ पे ये यहाँ पे एंड ब्रेक था भाई इसका। और आप ये देखो ब्रेक किस स्टाइल में दिया हुआ है। यदि एक ब्रेक काम करना हो तो इधर वाला दबा ले, उधर वाला ब्रेक काम करना हो उधर वाला दबा ले, यदि दोनों काम करने हो तो बीच वाला दबा ले। ये पैर की रेस होगी भाई, और यहाँ से हाथ की भी रेस कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया भाई पीटीओ का गियर, ये मीटर हो गया इसका, यहाँ से लाइट वगैरह का स्विच है भाई। ये होगी इसकी क्लच, और सिंगल इंजन के साथ है, एयर कूल्ड इंजन आपको मिलेगा। तो ये आइसर का पहला ट्रैक्टर था, मेड इन जापान टेक्निक के साथ एयर कूल्ड ट्रैक्टर और कमानी के साथ। ये अगले 616 के टायर थे इसमें, और पिछले जो टायर थे वही इसमें 12/4/28 के दिए हुए थे। तो काफ़ी रेयर ट्रैक्टर आज भी भारत में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हो एयर क्लीनर इस ट्रैक्टर का, तो यहाँ से दिखाए अगर इसको आपको, यहाँ पे ये देखो यहाँ से इसकी रेस ऑपरेट होती है। जो आज के समय के इंजन होते हैं, और ये इतने पुराने इंजन हैं, आप दिन रात का अंतर है भाई उन इंजनों में, रिन में, लोहे में भी फर्क है। आप शो वगैरह भी देख सकते हो, इतने पुराने होने के बाद भी आज भी जंग वगैरह कुछ नहीं लगा। वैसे कलर उड़ गया, मतलब लोहे को जंग नहीं लगा, लोहा इतना मजबूत और बढ़िया लगाया हुआ। आज के समय लोहे में भी मिलावट चल रही है, और का सारी कंपनियां ट्रैक्टरों में मतलब लोहा भी काफ़ी कम करती जा रही है, वजन कम करती जा रही है। और इनके रिम वगैरह भी आप देख सकते हो काफ़ी मजबूत थे। देखो किस तरह के मतलब सिस्टम करके, ये देखो फैन बेल्ट के लिए कितना अच्छा, एक ही से मतलब तीन तीन चार चार फैन ऑपरेट किए गए हैं। ये एक फ़ैन यहाँ पे दिया हुआ है इंजन को ठंडा रखने के लिए, ये डीजल फिल्टर हो गए। तो आइसर का ये पहला कमानी वाला ट्रैक्टर था। तो किसान भाइयों, आपको इस ट्रैक्टर के बारे में बहुत कम पता होगा, और जिस भाई को पता हो, यदि हमारे से कोई जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हो इस ट्रैक्टर के बारे में। ये देखो इस ट्रैक्टर की नंबर, ये प्लेट भी देखो आज भी मतलब लिखी गई है। इसमें टोटल वेट इस ट्रैक्टर में 1559 kg, और ADM टोटल नेट वेट पिस्टन 1559 kg, ADM टोटल वेट 2500 kg। ये मॉडल नंबर हो गया भाई, और ये RPM 1650 RPM के साथ है। HP की अगर बात करें इस ट्रैक्टर की, वही HP है इस ट्रैक्टर की, 26.5 HP के साथ है भाई। ये पिस्टन 1557 cm के है, और इसका असेंबल वेट फ्रंट एक्सल 900 kg, रियर एक्सल वेट 1600 kg। ये देखो आज भी नंबर प्लेट वैसी की वैसी है भाई इस ट्रैक्टर की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।